और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। देश में माहौल चुनावी है और इस माहौल में बयानों के खूब तड़के लग रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। जी हां, सैम पित्रोदा की हम बात कर रहे हैं, जिनके एक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया और मच गया सियासी घमासान। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. सत्कर अब भारत में रंगभेद वाली सियासत। जी हां, रंग रूप को लेकर सैम पित्रोदा के इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद सैम को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है सैम पित्रोदा ने। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत में जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर के लोग गोरो जैसे लगते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला, कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। सैम का विवादित बयान मचा सियासी घमासान। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. चुनाव की लड़ाई जाति धर्म रंग पर आई। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुल्क में गुस्सा भर दिया। सैम का रंग रूप बंटवारा, कांग्रेस ने कर लिया किनारा। ये जो फिजूल की बातें हैं, चाहे उन्होंने की चाहे हमने की, चाहे हमारे पार्टी की किसी नेता ने कर दी या किसी अधिकारी ने कर दी, उस फिजूल की बातों को आप उठा रहे हो और पूरे देश में आप उसका ऐलान कर रहे हो। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं, शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चार चरण का पचापो कांग्रेस का सेल्फ गो। उन्होंने रेजेस की बात कही है कि मंगोल रेजेस और दूसरे रेजेस की, जो अंग्रेजी संस्कृति की शुद्ध संतानें हैं वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान है। चुनाव में बीजेपी को एक और मुद्दा मिल चुका है, ऐसे में सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन ये टिप्पणी भारतीयों पर क्यों और चुनाव में इसका क्या असर होगा, आज महाडिबेट में इसी पर होगी चर्चा। तो हंगामा मचा हुआ था, खैर हंगामा बरपा, तो फिर सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और उनका इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष स्वीकार कर लिया है। मध्यप्रदेश की महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, वो सवाल स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। और पहला सवाल रहेगा, क्या कांग्रेस से इस्तीफे की बात बन जाएगी बात? ये बड़ा सवाल है, इस्तीफा दे दिया है अध्यक्ष पद से, तो क्या बात बन जाएगी? और अगला सवाल है, चुनाव में विवादित बयान क्या कांग्रेस को पहुंचा नुकसान? और तीसरा सवाल रहेगा, देश में रंगभेद वाली सियासत आखिर क्यों? ये सवाल रहेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। विनय सक्सेना हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। अक्षत शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पुखराज दशोरा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज जी, पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर लूंगी, क्योंकि समाज के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आप, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जो इस तरह की टिप्पणी की जाती है
भारत की डाइवर्सिटी की बात करने वाले थे सैम पित्रोदा, लेकिन बात करते करते रंग भेदी टिप्पणी कर दी, नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी। भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में यह प्रतिबंधित है कि कोई नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं करेगा, कोई रंग भेद की टिप्पणी नहीं करेगा और बॉडी शेमिंग किसी भी आधार पर नहीं की जा सकती। जो आज सैम पित्रोदा ने किया है वो धारा 511 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध है और धारा 12F के तहत भी दंडनीय अपराध है। साथ ही डिफॉर्मेशन सूट उनके खिलाफ फाइल किया जा सकता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, दो घटनाएं, एक महात्मा गांधी के साथ घटित हुई थी, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब रंगभेद का शिकार हुए थे और उन्होंने वहां पर इस बात का प्रोटेस्ट किया था और वहां से महात्मा गांधी बने। और रही भारत की बात, तो भारत में तो शाम को वर्ण कहा गया है, कृष्ण भक्त सभी लोग काले रंग को या सावले रंग को बड़े गर्व से महसूस करते हैं और कहते हैं कि हम शाम वर्णधारी है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा है, राहुल गांधी के फिलोसोफर गाइड एवं कोच, उनके तथाकथित अंकल, उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करके हजारों लाखों भारतीयों के दिल को ठेस पहुंचाई है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम कहते हैं तो इसमें गुलदस्ता है, ये हिंदुस्तान में विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, तो उसमें भाषाई अनेकता है, रंग रूप की अनेकता है और खाने पीने सबके अनेकता है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार इनके द्वारा किया गया, इनके इस्तीफे से, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, उससे बात नहीं बनेगी। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जैसा कि भारतीय कानून कहता है। आज शाम को जब हम सैम पित्रोदा के विषय पर ही एक सवाल कर रहे थे अपने रिपोर्टर से, तो मैंने कहा था कि देखिए सैम पित्रोदा तो कांग्रेस के लिए बेमौसम बारिश की तरह हो गए। कांग्रेस मेहनत कर रही है यहाँ पर, वो वहाँ एक बयान देते हैं और किसान की मेहनत पर पूरा पानी फिर जाता है। क्या आपको लगता है कि चुनाव के इस मौसम में जब हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है, माइन्यूट मॉनिटरिंग हो रही है, और ऐसे समय में सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद कितना डैमेज हुआ और क्या इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ओवरसीज ही हैं, भारत की भूमि से उनका कोई कनेक्ट नहीं है। उन्होंने जिस तरह का बयान जो दिया है वो उससे साबित होता है कि भारत से, भारत की संस्कृति, भारत की विविधता में एकता से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। और ऐसे व्यक्ति अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो उनको फिलॉसफर कहा है, आज उन्होंने जो सभा में कहा शहजादे के फिलॉसफर, तो अगर वो उनके गाइड हैं, वो विदेशों में जब भी राहुल गांधी जाते हैं तो उनकी सारी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना, उनको वहाँ लोगों के साथ में कनेक्ट कराना, वो उनका काम है। अगर वो उनको सलाह देते हैं तो किस तरह की सलाह वो देते होंगे, मुझे उस पर आश्चर्य है। चुनाव के समय में पिछली बार भी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिका के एक कानून का जिक्र किया था जहाँ पर कि लोगों के मृत्यु के बाद में उनकी जो विरासत है उसका, हाँ, वो भी अमेरिका के 5 states में ही शायद इंप्लीमेंट है। बिल्कुल, तो एक के बाद एक बयान खड़े कर, बयान देना और बखेड़ा खड़ा करने को कहा था और उससे कांग्रेस की परिस्थिति बहुत मुश्किल हो गई थी। और अब उसके बाद जब उनको वहां मना कर दिया गया था उसके बावजूद भी आज उन्होंने दूसरे तरह का ये बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस का अभी बयान आया है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। सुबह से यहाँ पर हंगामा बरपा हुआ है और उसके बाद में उनको ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा लिया, नहीं गया है, इस्तीफा दिया गया है, ठीक है विनय सक्सेना जी। तो ये, हाँ, मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि उनसे लेना ही पड़ा होगा कांग्रेस को भी। जी विनय सक्सेना जी, क्या कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही दुरुस्त आए वाली काम करती है। ये बात सही है कि इस समय देश में जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, रुपए की गिरती हालात पे, देश में 2014 में किए गए वादों पे जो आज जुमले बन गए और अब गारंटी के रूप में वापस आ रहे हैं, इन सब मुद्दों को छोड़ के बात किस पे होती है। एक सैम पित्रोदा जी जिन्होंने अभी अपने आप इस्तीफा से विवेक से दे दिया, अच्छी बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि ना वो इससे इत्तेफाक रखती है और ना उसके इस यथार्थ को स्वीकार करती है। हिंदुस्तान में कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, अनेकता में एकता, इंदिरा जी कहती थी एकता और अखंडता के लिए जान देने वाले भी शहादत जो है वो कांग्रेस ने दी है, तो क्या इन सब बातों को भुलाया जा सकता है क्या कि 75 साल में आजादी के बाद से कांग्रेस ने देश की एकता बनाए रखने की जितनी शहादत दी है,
वो पार्टियां आज उंगली उठाती हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। उनके एक व्यक्ति का कहीं इतिहास में नहीं आता जिसने अपने हाथ की एक उंगली भी जिनकी कटी हो। परंतु ठीक है, आज मैं ये नहीं कह सकता कि सेम पित्रोदा जी बहुत अच्छा कह रहे, क्योंकि मेरा सेम पित्रोदा से कोई सीधा सरोकार ना है और ना हिंदुस्तान के नागरिकों का ना कांग्रेस का। आज वो विदेश में बैठ के अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी बातें रख रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं रख रहे। अब उस बात को लेके अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है, माननीय हमारे आदरणीय मोदी जी को, कि भाई ये मुद्दे को लेके भी हम राजनीति कर सकते हैं, तो देश में 10 साल में आपने जो विकास किया है उस पर बात क्यों नहीं करते हम? और फिर आप ये बात करें, और अनेकता में एकता के कारण हम हिंदुस्तान को एकजुट रख सकते हैं, ये तो सेम पित्रोदा साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने इन सब मुद्दों पे ये बातें रखते समय उनके मन में क्या था, क्या उनसे किसी ने पूछा? या हमने आपसे क्या कह रहा हूँ, जो बात आप मुझसे या हम चारों से पूछ रहे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान के चैनल सेम पित्रोदा साहब से पूछते कि आज देश में जो एकता है, एकता और अखंडता के लिए देश में कांग्रेस ने शहादत दी है, हमारे कितने नेता सिर्फ इसलिए उनको मार दिया गया कि वो देश की एकता के लिए काम करते थे, आज आपका ये बयान जो है चिंता हम लोग के लिए पैदा करता है। और आपका ये बयान किस संदर्भ में दिया गया है, और आप ये क्या बताना क्या चाहते हैं हिंदुस्तान को, और क्या हिंदुस्तान आपके कहे के अनुसार थोड़ी चलेगा? अगर ये प्रश्न उनसे पूछा जाता तो मुझे लगता है एक बहुत मौजू बात होती और हमारे लोगों को एक स्पष्ट संदेश जाता कि उनने किस आधार पे किस बात को लेके बात कही। आपने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो सवाल हम पूछे। यशवंत सिंह जी, मेरी बात सुनिए यशवंत सिंह जी, आप लोग तो बीजेपी तो खुश हो जाती है ना, वो कहती है कभी दिग्विजय सिंह कुछ बोल देते हैं तो फायदा बीजेपी को हो जाता है, सांप पित्रोदा कुछ बोलते हैं फायदा बीजेपी को हो जाता है कि नहीं? आपसे आदरणीय भाजपा जी पूछना चाहता हूँ, उससे पूछा आखिर क्यों देश में 10 साल में विकास की चर्चा करना? बोलिए यशवंत जी। यस भैया, मेरे से पूछना जी। हाँ जी, आपकी रिपोर्ट में ध्यान से सुन रहा था, आपने उस पर एक लाइन अभी पता ही है कि यह सियासत की जंग, ये सियासत की जंग का हिस्सा नहीं है अर्पणा जी, ये देश के स्वाभिमान का हिस्सा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मा को कितना ठेस पहुंच रहा होगा जब गोरे और काले की उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज अपने हिंदुस्तान में प्रवक्ता की भूमिका में स्वयं पित्रोदा जी जो राहुल गांधी शहजादे के सलाहकार है और वो वहां से बैठ करके पूरब के भारत के लोगों को चाइनीज बता रहे हैं, पश्चिम के भारत के लोगों को अरविंद बता रहे हैं, उत्तर के भारत के लोगों को अंग्रेज बता रहे हैं, दक्षिण के नागरिकों को अफ्रीकन बता रहे हैं। मैं विनय जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हक दिया है आपके शहजादे के सलाहकार को कि वो विरासत टैक्स लगाने की बात करे, वे मंदिरों से रोजगार नहीं मिलेगा ये बात करे, वे सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे? आपके नेता के सलाहकार वहां बैठे बैठे जिस प्रकार से भारत की अस्मितता को, भारत की संस्कृति को और भारत के संस्कार को जिस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आज अर्पणा जी हम पूछना चाहेंगे कांग्रेस से कि पूरे घटनाक्रम में आज जयराम रमेश एक्स पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इस बारे में क्षमा याचना देशवासियों से करेंगे? और नहीं तो पुष्कर पुखराज दशोरा जी वकील साहब बैठे हैं, इन्होंने धाराएं बनाई हैं और ये निश्चित रूप से मानहानि लगा देंगे, कोर्ट के दरवाजे खुले रहेंगे। ये विषय विनय जी छोटा नहीं है, आप इसको महंगाई से बेरोजगारी से मत जोड़िए, यह भारत की अस्मिता का सवाल है। ये चमड़ी के रंग को देखकर आज मोदी जी कितने आहत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का आप एक्स पर पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा जी का आप एक्स पर उनकी उनकी टिप्पणी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के जो हमारे प्रमुख हैं प्रभारी प्रदेश के आशीष जी अग्रवाल जी, उनकी जरा आप टिप्पणियां तो पढ़िए, पूरा देश आहत है और आप बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के रट लगाए पड़े हैं। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, क्षमा याचना करना पड़ेगी खड़गे जी को, क्षमा याचना करना पड़ेगी राहुल गांधी जी को, क्षमा याचना करना पड़ेगी सोनिया गांधी जी को, क्योंकि आज रंग के भेद से जिस प्रकार से हिंदुस्तान के वासियों का अलग अलग रंगों से जिन देशों में जो रंग है उनसे तुलना करी है, ये रंग भेद की राजनीति समाप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनम, अरे हमारा तो देश अर्पणा जी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक हम एक विचारधारा को लेकर के चलते हैं। कहां सेम पित्रोदा जी को आपके दल के नेताओं ने किस प्रकार से राय शुमारी दे दी है, राय वक्तव्य देने को कह दिया है, ये तो जांच का विषय।
देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन किया था कि आज सैम पित्रोदा जी जो बयान वहां देने वाले हैं वो कांग्रेस का पक्ष माना जाए? एक बात महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, माननीय अर्पणा जी और माननीय जितने बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रज्वल रेवन्ना ने जो घटनाक्रम 2800 महिलाओं के अश्लील वीडियो आए उसके लिए क्या माननीय मोदी जी को हम लोग को दोषी ठहराना चाहिए? क्या उस पर किसी ने माफी मांगी? क्या है एक घटना महिलाओं के बारे में कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है उसमें क्या माननीय प्रधानमंत्री ने अभी तक एक शब्द बोला क्या? मणिपुर की घटना में आज तक प्रधानमंत्री ने कोई प्रयास किया क्या? एक तरफ तो वो वहां पे वार रुकवा देते हैं यूक्रेन में, विदेश की बात कर रहे हैं आप, तो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया हमारे बच्चों को लाने के लिए, लेकिन मणिपुर में आज तक आपने कुछ नहीं कर पाए, तो क्या उसकी माफी मांगी? वहां पे हमारी महिलाओं के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो शब्द नहीं बोल सकता मैं आपके इस खुलेआम सार्वजनिक रूप से, जो घटनाक्रम जो तस्वीरें दिखी माननीय मोदी जी ने क्या एक शब्द बोला? और आप कहते हैं कि सैम पित्रोदा साहब ने कुछ कह दिया तो पूरे कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हो गए? कह तो दिया कांग्रेस ने कि हमारे लिए शर्मनाक है और हम इससे वास्ता नहीं रखते। अब आप इसके बाद कुछ भी कहेंगे तो क्या कांग्रेस का हर नेता वही करने लगेगा जो यश भैया आप चाहते हो और आपके जितने माननीय सम्मानी नेता चाहते हैं? मैं तो आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं होना चाहिए देश में मुद्दों पर बात? मणिपुर पे क्यों नहीं बात होना चाहिए? प्रज्वल रेवन्ना पे अभी तक क्यों नहीं डिबेट होनी थी कि हमारे उसी के एक मंच पे माननीय मोदी जी के सामने अपन तय नहीं करते हैं? मैं आपसे अब मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए ना जी, डिबेट अपन तय नहीं करते हैं? नहीं नहीं, डिबेट का मेरा आपसे आग्रह है, डिबेट तो उसपे भी होनी चाहिए, आज नहीं कल होगी, और हो सकता है यही चैनल अर्पणा जी करवाएं। मैं तो आग्रह करना चाह रहा हूँ, आग्रह तो मैं कर ही सकता हूँ ना, लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं हिंदुस्तान में, खत्म ही कर दोगे? मैं तो आग्रह निवेदन कर रहा हूँ और उस पे तो कोई अंकुश आप नहीं लगा सकते यश भाई, मेरा आपसे आग्रह ये है। कुछ कहना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति 140 लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, मुद्दों पर बात नहीं। पुखराज जी एक मिनट में आऊंगी आपके पास, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। 140 करोड़ के देश में विनय जी का मैं एक बात कह रही हूँ सर, हम मना कहाँ कर रहे हैं? आप तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस तो मुद्दों की बात पर ही अब पूरा अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रही थी, घेर भी रही थी आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को चुनावी स्ट्रैटेजी के तहत, लेकिन यहाँ तो आपकी मेहनत पानी फिर गया ना, हम तो यही बात कर रहे हैं पुखराज जी। आप बात मैं यही दोनों पानी फेरने के लिए बैठे तो हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो स्टेटमेंट आया है वो कांग्रेस के किसी एक आम कार्यकर्ता का नहीं है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष का आया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब विदेशों में जितने भी भारतीय मूल के निवासी हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं पर रोजी रोटी के लिए अगर वो विदेश गए हैं तो उनके उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ओवरसीज कांग्रेस बनेगा। रही बात ये कि वह कांग्रेस जिसके मुखिया किसी जमाने में रघुपति राघव राजा राम गाते थे और जब उनको 3 गोलियां दागी गई उस समय उनके प्राण निकले तब हे राम निकला, वह कांग्रेस जिसका रघुपति राघव राजा राम से शुरू होकर हे राम तक सफर तय किया महात्मा गांधी ने, उस कांग्रेस ने राम मंदिर जाने का विरोध किया और राम मंदिर जाने वालों के खिलाफ एक एक करके काम कर रहे हैं। तो सैम पित्रोदा का जो बयान है ना, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने से आगे इस देश को प्रांत वाइज बांटना, भाषा वाइज बांटना, रंग वाइज बांटना, कद वाइज बांटना, इस देश के कई टुकड़े करने की प्लानिंग का हिस्सा है सैम पित्रोदा का बयान। ये बयान को आसानी से नहीं लिया सकता है हमारे चूंकि यशपाल जी स्वयं एक अधिवक्ता है, हमारे जो विधायक है यशपाल जी वो भी एक अधिवक्ता है, इस देश को बांटने का बयान है ये, ताकि हम भाषाई आधार पर, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर देश के कई टुकड़े कर सके, इसलिए वो सीरियस लेना चाहिए इस बयान को। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं ऐसे सलाहकारों को जो कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि वो देश को बांटने का काम करती। अभी तो 75 साल में आजादी से लेके आज तक हम यही सुनते आए थे कि कांग्रेस ने जोड़े रखने के लिए इंदिरा जी ने शहादत दी, कांग्रेस ने देश को जोड़े रखने के राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े उड़ गए, और आप हमारे गांधी जी की आप तारीफ करें तो मैं पूरा हिंदुस्तान जिसको राष्ट्रपिता मानता है उसको नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोगों ने गोली लगने के बाद उसकी फोटो लेके पूजा की। लेकिन पुखराज जी आप हम लोगों को अब दर्शन बताएंगे हिंदुस्तान में कांग्रेस को देशभक्ति में एकता में? मैं दर्शन नहीं बता रहा हूँ माननीय, मैं आपको दर्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देश को, आपने मुस्लिम लीग कब बनी कांग्रेस के समय में, आपने हिंदू मुस्लिम करवाया, पाकिस्तान का 2 टुकड़े, भारत का 2 टुकड़े हुए, वो आपके इस राज में हुए। मेरा कहने का मतलब आप भाषाई आधार पर, रंग के आधार पर एक दक्षिण अफ्रीका की तुलना करोगे आप तमिलनाडु के व्यक्ति की और आप नेपाल के व्यक्ति की तुलना चीन से करोगे तो आप इस देश के कितने टुकड़े करना चाह रहे हो? आपकी मंशा पर संदेह हो रहा है। और सैम पित्रोदा के बयान को जो पिछले बयान उन्होंने दिए थे
क्या अमीरों का पैसे की गिनती करके गरीबों में बांटा जाएगा, मुसलमानों में बांटा जाएगा? उस पर आता तो आपका महत्व होता है, आपको एक्शन बहुत पहले लेना होता। विनय जी बात कंप्लीट कीजिए, समय बहुत कम बचा है। आपसे आग्रह है, राम मंदिर की आपने बात करी, एक भी बयान, एक भी वक्तव्य, एक भी आदेश, बार बार आप लोग कहते हैं कि जिनने कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर जाना चाहा, मैं भी तो राम मंदिर होके आया हूँ, मेरे को तो किसी ने नहीं रोका। और सुनिए, मैं आज से नहीं बरसों से, और हमारे नेता बरसों से, लेकिन जिस राम मंदिर के पूजन को आपने इवेंट बना दिया, चार चार शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, हमारी देश की प्रथम महिला जिसको हम पूरे सम्मान के साथ हमारी राष्ट्रपति, उसको आपने नहीं बुलाया। ठीक है, मौसम चुनावी है तो ऐसे में एक के बाद एक तो वार पलटवार तो होता ही रहेगा। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान के बाद जो हंगामा मचा, उस हंगामे के बाद सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस